डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि KNN जो है वो कैसे काम करता है। K नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में जो K है उसकी वैल्यू को कैसे चूज करना है, ये हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि KNN में K एक हाइपर पैरामीटर है। हाइपर पैरामीटर उन पैरामीटर्स को बोला जाता है जो कि हमारे डेटा सेट में तो अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे एल्गोरिदम में, हमारे ट्रेनिंग फेज में अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल एक्यूरेसी को या फिर हमारे मॉडल की एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। तो KNN जो कि एक हाइपर पैरामीटर है, उसकी सही वैल्यू को चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिससे कि हम अपने एल्गोरिदम को, हमारे मॉडल को अच्छे से ट्रेंड कर सकते हैं। KNN में K की वैल्यू को चूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम इस वीडियो में पांच तरीकों का जो है वो डिस्क्रिप्शन देखेंगे और इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज मैनुअल ट्यूनिंग। मैनुअल ट्यूनिंग में एक्सपेरिमेंट किया जाता है रेंडम वैल्यू ऑफ के साथ, और बार बार मॉडल के परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, और जिस एक पॉइंट पर मॉडल की परफॉर्मेंस हाई होती है, हम उस वैल्यू ऑफ के को एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ के जो है अज्यूम करते हैं, लेकिन इसको हम लोग मैनुअली करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड है और जो कि बहुत वैलिड मेथड माना जाता है, वो है एल्बो मेथड। एल्बो मेथड में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है हमारे जो के की वैल्यू का अगेंस्ट द एरर रेट ऑफ द मॉडल। तो जो एरर रेट ऑफ द मॉडल हमारा होता है, जब उसको प्लॉट किया जाता है हमारे के की वैल्यू के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट हुआ है। अब इसमें जो एक सबसे नीचे वाली वैल्यू है, जो बिटवीन 10 to 15 है, वो एक एल्बो की तरह बिहेव कर रही है। इसको एल्बो तब माना जाता है जब इस पॉइंट के बाद के सारे पॉइंट एक स्टेबिलिटी होल्ड करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस एक पॉइंट पे हमारा एरर मिनिमम है। तो जहां पे हमारा एरर मिनिमम होता है, प्लस उसके आगे का जो पॉइंट्स होते हैं या जो वैल्यूज होती हैं वो एक स्टेबिलिटी होल्ड करती हैं, उस एक पॉइंट को हम लोग एल्बो बोलते हैं। अगर हम इसको ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से देखें तो ये एक हमारी एल्बो की तरह जो है शेप बन रही है, और ये पॉइंट जहां पे हमारा जो है एरर रेट सबसे कम है विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ के, उसको हम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के मानते हैं। ये मेथड बहुत पॉपुलर है और इसको बहुत सारे जो है फेजेस में यूज किया जाता है जब हम KNN को इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब बोलता है ये जो हमारा पूरा डेटा सेट होता है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ सैंपल है, लेट्स से कि हमारे डेटा सैंपल में 100 सैंपल्स हैं, तो ये उसका स्क्वायर रूट निकालता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ टोटल सैंपल इन द डेटा सेट जो है वो हमारा रूल ऑफ थंब कहलाता है। लेकिन रूल ऑफ थंब जो है वो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट ही हमको आंसर दे और हमारे मॉडल की एफिशिएंसी को बढ़ाए ही, लेकिन कुछ एक मामलों में देखा गया है कि रूल ऑफ थंब जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। इसी सीरीज में हमारा जो फोर्थ मेथड है वो है डोमेन नॉलेज। ये डोमेन नॉलेज डेटा साइंटिस्ट को या स्टैटिस्टिशियन को तब होता है जब वो एक लंबे समय तक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करते हैं और उनके अनुभव के आधार पर वो के की वैल्यू को बता सकते हैं। अब वो के की वैल्यू को जो अंडरलाइंग पैटर्न्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उसके आधार पर वो बताते हैं। और बहुत मामलों में देखा गया है जो एक्सपीरियंस्ड डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनका नॉलेज डोमेन के आधार पर के का वैल्यू जो है सही रहता है और उनका क्लासिफिकेशन मॉडल जो है वो अच्छी एफिशिएंसी देता है। इस सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है क्रॉस वैलिडेशन। अब क्रॉस वैलिडेशन को हम लोग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी बोलते हैं, जो मॉडल की परफॉर्मेंस को हमारा इवेल्युएट करता है, उसको कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है, कितना बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसका हमें वो असेसमेंट देता है। तो मान लीजिए हमारे पास 100 डेटा सेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 100 डेटा सेट है। तो अगर हम लोग के की वैल्यू यहाँ 5 रखते हैं, 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन रखते हैं,
तो इसमें हम लोग पूरे 100 डेटा सैंपल को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20-20 सैंपल के 5 यूनिट्स बन जाएंगे। तो हम लोग के की वैल्यू को, जैसे हमने के फोल्ड में 5 फोल्ड किया, इसी तरीके से हम 3 फोल्ड कर सकते हैं, 7 फोल्ड कर सकते हैं, 6 फोल्ड कर सकते हैं। तो फोल्ड करने को कहते हैं कि हम हर बार ट्रेनिंग के टाइम पे, अगर 5 फोल्ड है तो 4 फोल्ड्स को हम ट्रेनिंग के टाइम पे यूज करेंगे और 1 फोल्ड को हम लोग टेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। तो हर बार एक यूनिक जो हमारा सेट रहेगा, एक यूनिक यूनिट रहेगा, जो 20 सैंपल के हमारे 5 यूनिट बने हैं उसमें से हर एक बार एक जो है वो एज अ टेस्ट सेट जो है वो परफॉर्म करेगा। तो हम इसके आधार पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और जिस एक लेवल पे हमारा जो मॉडल का परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट आता है, उसको हम लोग हमारी ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के जो है वो मानते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे के, जो के फोल्ड है उसमें एक बार के की वैल्यू को 3 रखा है, एक बार 5 और एक बार 7। तो जब हमने के की वैल्यू को 3 रखा तो उस एक टाइम पे हमारे पास 3 जो है फोल्ड्स हुए और हमारी जो एक्यूरेसी है, जैसे आप देख सकते हो ऐसे हमारी एक्यूरेसीज आई है, और एट लास्ट हमें उन सब एक्यूरेसी का एवरेज लेना होता है। हमने 3 फोल्ड, जब हमने के की वैल्यू 3 रखी तब हमने उसका एवरेज निकाला, जब हमने वैल्यू 5 रखी तब उनके एवरेज निकाला एक्यूरेसी का, जब हमने वैल्यू के की 7 रखी तो हमने एवरेज निकाला। इन सब एवरेजेस को हमने कंपेयर किया और जिस एक के की वैल्यू पे हमारा एवरेज हाईएस्ट रहेगा उसको हम लोग के की वैल्यू मानेंगे। तो इस तरीके से जो क्लॉस वैलिडेशन मेथड है ये हमें ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के देता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम लोग किस किस तरीके से के की वैल्यू को चूज करते हैं। हमने मैनुअल ट्यूनिंग, हमने एल्बो मेथड, रूल ऑफ थंब, डोमेन नॉलेज और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को देखा। थैंक यू।